नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संजू इन्फॉर्मर में। दोस्तों, मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, खरीफ फसलों के लिए MSP में 62% तक का इजाफा। दोस्तों, कोरोना के दूसरे साल में भी किसानों को राहत, सरकार ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। तिल की MSP 452 रुपये, तुअर और उड़द दाल की 300 रुपये बढ़ाई। दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाने का फैसला हुआ। सरकार ने विभिन्न खरीफ फसलों पर MSP में 50 से 62% की बढ़ोतरी की है। दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट बैठक में और भी कई फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सीजन 2021 और 22 के लिए खरीफ फसलों के लिए MSP को मंजूरी दी है। पिछले वर्ष की तुलना में MSP को उच्चतम पूर्ण वृद्धि की सिफारिश तिल के लिए 452 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। इसके अलावा अरहर और उड़द के लिए भी 300 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की गई है। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान लगातार दूसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाया है। कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों के नए MSP को मंजूरी दे दी है। तिल की MSP 452 रुपये, तुअर और उड़द दाल की 300 रुपये बढ़ाई गई है। धान सामान्य की MSP पिछले साल के 1868 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1940 रुपये प्रति क्विंटल की गई है, यानी 72 रुपये ज़्यादा। नई MSP पर केंद्र के 25,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पिछले साल 1 जून को 14 खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई गई थी। 2020-21 में धान की MSP को 1815 से बढ़ाकर 1868 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। दोस्तों, बाजरा पर MSP बढ़ाकर 2150 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विगत 7 साल में किसान के पक्ष में बड़े निर्णय हुए हैं, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और इनमें खुशहाली आ सके। MSP 2018 से लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाती है। दोस्तों, खरीफ में फसलें आती हैं धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुलथी, जूट, सन, कपास आदि। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम।